Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BVA 5th semester. And students, today our most important topic, History and Generation of Computers. Okay students, ये आज हमारा topic है History and Generation of Computers. Unit 1st से जिसको students हम YouTube पर और जो है online complete करने जा रहे हैं. और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने YouTube पर हमने जो है हिस्ट्री एंड जनरेशन कंप्यूटर्स हमने टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें स्टूडेंट हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने स्टूडेंट जो है हमने YouTube पर ऑनलाइन डिस्कस की. तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में सेकंड और थर्ड जनरेशन इसको आज हम YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद स्टूडेंट हमारी जो है फोर्थ और फिफ्थ यानी कि जो हमारी जनरेशन है उसको स्टूडेंट जो है फाइव जनरेशन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. तो स्टूडेंट्स इसके ही सीक्वेंस में आज हम जो है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को हम डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर जो है इससे आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं मतलब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो स्टूडेंट सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1952 से लेके 1964 तक, मतलब 1952 से लेके 1964 का जो समय है वो स्टूडेंट किसका दिया गया है, वो हमारा दिया गया है सेकंड जनरेशन के लिए. और एक ट्रांजिस्टर, अब देखो स्टूडेंट वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए. बट लेकिन ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा. ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर होता है, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर. यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर्स होते हैं उसके सिग्नल्स को स्विच करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए जो है हम ट्रांजिस्टर का हम यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स भाई जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे वो बहुत जल्दी हीट हुआ करते थे और बहुत जल्दी वो खराब हो जाया करते थे. तो जाहिर सी बात है भाई स्टूडेंट अब मतलब चेंजेस आने स्टार्ट हुए सेकंड जनरेशन में. ठीक है ना, तो उसमें हम यूज करते थे एज ए ट्रांजिस्टर. अब स्टूडेंट जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं उस जनरेशन के कंप्यूटर के फीचर्स की, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो आज जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत बल्की हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, रिलायबल नहीं थे. ठीक है ना, कमर्शियल में उनका कोई यूज नहीं था. तो अब ये चीज़ें भी सेकेंड जनरेशन में थी लेकिन क्या थी, उससे थोड़ा कम थी. तो यही जानने की कोशिश करते हैं. स्मॉलर इन साइज, मतलब बिग इन साइज, उसके काफी साइज में बहुत बिग थे लेकिन यहाँ पे साइज कम हुआ, फास्ट हुए, रिलायबल हुए, स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन यहाँ पे कॉस्टली थे, महंगे थे, डिफिकल्ट टू यूज करना इतना आसान नहीं था. नॉट फॉर कमर्शियल यूज, यस कमर्शियल पर्पस के लिए इनको यूज नहीं. जैसे सपोज दैट कमर्शियल का मतलब होता है कि तो आज की डेट में कंप्यूटर जो है एक हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को जो है हर एक फील्ड में यूज किया जा रहा है. आप जो है एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, और जो है क्या नाम है रेलवेज में. ठीक है ना, तो मतलब कहने मतलब ये कि शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जो है कमर्शियल पर्पस में यूज नहीं कर रहे थे बिकॉज दे आर वेरी बल्कि बहुत कॉस्टली थे और डिफिकल्ट टू यूज थे. कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, यस कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है जैसे कि उसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे लेकिन एक जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम जो है करते थे. एंड कंज्यूमिटी एंड स्टिल जनरेट्स हीट, यस जो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई जब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट कर रहे थे लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो ज़्यादा हीट को जनरेट जो है नहीं करते थे. लेकिन हाँ करते थे लेकिन कम करते थे फर्स्ट जनरेशन से. चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या है. तो पहला है हमारा IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604, CDC 3600 और Univac 1108. Univac आपने देखा स्टूडेंट, Univac जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन में भी यूज हुआ, मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या बोल सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. तो ये मतलब वो कंप्यूटर्स थे जो सेकंड जनरेशन में यूज हुए बने. ठीक है, फिर बात करते हैं मेमोरी की. तो मैग्नेटिक टेप्स यूज होने लगे, मेमोरी में स्टोरेज के डिस्क मतलब यूज होने लगी और लैंग्वेज यूज हुई असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि मशीन लैंग्वेज हमारी यूज हुई फर्स्ट जनरेशन में. ठीक है, और उसमें जो है हमने और असेंबली लैंग्वेज भी हमारी जो मतलब यूज हुई हमारी सेकंड जनरेशन में. देखो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट के जो कंप्यूटर्स हैं वो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं,
जैसे सपोज दैट भाई डेसिमल और बाइनरी, बाइनरी का मतलब हो गया कोई भी नंबर उसको हम 0-1 के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते तो वो बाइनरी नंबर कहलाता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग नंबर्स को डेसिमल में समझते तो मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को 0-1 में कन्वर्ट करता है, 0-1 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो अंडरस्टैंड करता है। तो कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर को उसको अंडरस्टैंड करने की अपनी एक लैंग्वेज है कि कंप्यूटर जो है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे मतलब जो है चीजों को जो है सीक्वेंस में रखता है। ठीक है, तो लैंग्वेज हो गई असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है बात करते हैं स्टूडेंट हमारे थर्ड जनरेशन की, भाई जो हमारा जो थर्ड जो हमारी थर्ड जनरेशन है ये जो है कैसे उसने मतलब उसमें वर्क हुआ और थर्ड जनरेशन में क्या अचीवमेंट्स हमने कंप्यूटर्स के फील्ड में किए। चलिए अब बात 64 पे हमने यहाँ पे मतलब जो है हमने इस जनरेशन को हमने एंड किया। अब 64 से ये स्टार्ट भी थर्ड जनरेशन और 72 तक गई, 64 to 72। तो अब इसमें जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन में हम यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर आ गए, तीसरी जनरेशन में स्टूडेंट्स हमारे आ गए आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज होने लगा। आईसी स्टूडेंट जो है वो सिलिकन एक मेटल होता है, एक धातु होती है जिसके द्वारा हम आईसी को डेवलप करते हैं। और आईसी के स्टूडेंट क्या करते हैं, आईसी जो है एक चिप की तरह होती है, इसको चिप या माइक्रोचिप भी हम बोल सकते हैं, जिसपे कई सारे हम रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स को जो है हम असेंबल करते हैं। और ये जो है जो स्टूडेंट जो चिप जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है SSI दूसरी होती है MSI। देखिए एन इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड चिप और माइक्रोचिप एंड आईसी कैन फंक्शन एज एम्पलीफायर ऑसिलेटर टाइमर काउंटर और माइक्रोप्रोसेसर। यानी कि आईसी जो है वो स्टूडेंट आपके जो है मतलब एम्पलीफायर की तरह काम करेगी, ऑसिलेटर की तरह, टाइमर की तरह, काउंटर की तरह और माइक्रोप्रोसेसर की तरह वर्क करेगी। जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप्स ऑफ यूज को यूज किए, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो अब हम क्या करते थे कि ये जो हमारी SSI और MSI यानी कि जो हमारी IC जो चिप हुआ करती थी, इस पर हम जो है रजिस्टर चिप पर रजिस्टर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को क्या करते थे, असेंबल करते थे। ठीक है, ऐसे लिखा भी है कि SSI MSI चिप कॉमा रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर आर असेंबल्ड ऑन इट। हम क्या करते थे इस पर, हम उसको असेंबल कर दिया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बात करते हैं फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी, अब इसमें जब हम आईसी का यूज करने लगे तो हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो ज्यादा और मोर रैपिड होने लगे, हम उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करने लगे, वो कंप्यूटर लेस हीट को जनरेट करते थे और जो है लेस मतलब जो हीट है वो मतलब जो है कम ज्यादा निकलती थी, लेकिन उसकी जो क्या नाम है क्षमता है उसको कंज्यूम करने की वो कम थी, यानी कम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे लेकिन जो हीट है उसको जनरेट करते लेकिन कम जनरेट करते थे बजाय सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के। ठीक है, तो अगर हम बात करें फीचर्स की तो भाई जो है जैसे सपोज दैट हमारे जो जैसे कि मैं स्टूडेंट थर्ड जनरेशन के फीचर्स को मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं तो आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है स्मॉलर इन साइज, तो जाहिर सी बात है ठीक है भाई स्मॉलर इन साइज यहां भी है। Fast and more reliable. Third generation computer is still very costly. Is still costly but not very costly. Okay. Difficult to use, easy to use. Not for commercial use. First time this generation computer are used in commercial purpose. Commercial purpose यानी व्यापार के लिए मतलब जो है लोगों ने इसको use करना start किया। ठीक है। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टिल जनरेट हीट्स। ठीक है, ये भी हीट करते थे लेकिन इसमें भी स्टूडेंट एसी की इसमें भी रिक्वायरमेंट थी, हम इसमें भी हम एसी को हम यूज करते थे। चलिए अब इस पर बात करते हैं हम एग्जांपल्स की, तो IBM 360 हनीवेल 6000 सीरीज PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स IBM 360 PDC 316। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर्स के नाम है जो हम थर्ड जनरेशन में हम जो है हमने बनाए जो हमने इनका यूज किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम मेमोरी की, तो मेमोरी में क्या है लार्जर मैग्नेटिक कोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक जो यहाँ पे लार्जर मैग्नेटिक कोर्स का यूज करने लगे, स्टोरेज के लिए लार्जर कैपेसिटी का यूज करने लगे और लैंग्वेज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर। जाहिर सी बात है पहली लैंग्वेज में हमने पहली जनरेशन है उसमें हमने मशीन लैंग्वेज का यूज किया, दूसरी जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया और तीसरी जनरेशन में हमने स्टूडेंट हाई लेवल लैंग्वेज का हमने स्टूडेंट्स हमने यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट आज हमने जो है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में हम जो है फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, जिसको हम यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते उसमें एक तो अपने आप जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं, और ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के बाद यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी होती है, आप जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में तीन डॉट बने होते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप क्वालिटी को चूज करेंगे 360p या 480p। जितनी ज़्यादा क्वालिटी आप यूज करेंगे उतना ही आपको वीडियो मोर क्लियर दिखाई देगा, जिससे देख के आप इससे देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं, जिससे जो भी कुछ बोर्ड पर लिखा गया है ये साफ साफ दिखाई देगा, और इससे देख के स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट हमने सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हमने कंप्लीट किए। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मतलब डाउट होगा कि भाई यहाँ पे जो है हमने जनरेशन फिफ्थ, मतलब कुछ बुक में यहाँ पे ये जो जनरेशन की जो क्या नाम है यह है, ये हर एक बुक में अलग अलग दे रखी है, तो आप में उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो आपको नोट कराया है ये सही नोट कराया है। पहले जनरेशन जो हमने स्टार्ट की, सेकंड थर्ड, तो ये जो टाइमिंग्स है ये सही है, और इस जनरेशन के दौरान जो जो कंप्यूटर्स बने उनके क्या फीचर्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या लैंग्वेज है, क्या स्टोरेज है, क्या मेमोरी है, जो यूज की इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और जो टाइम पीरियड मैंने आपको नोट कराया है ये सही नोट कराया है, इसी को आप फॉलो करें और इसी को आप जो है मतलब नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए, देख के नोट्स बनाएं। Thank you very much.